योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सर सामग्री लता मंगेशकर जी को 13वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लता जी ने कला संगीत को जीवन समर्पित किया, रामकृष्ण के गीतों को नई ऊंचाई दी। लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति को समर्पित किया, इसलिए भगवान राम की नगरी अयोध्या में लता जी को समर्पित भव्य लता चौक का निर्माण कराया गया। हमारा प्रयास रहेगा कि अयोध्या के हर चौराहे को इसी तरह खूबसूरत बनाया जाए। अयोध्या को संभालते हम सब देख रहे हैं। आज हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति करते हैं कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण आज अयोध्या में पूरी गति के साथ चल रहा है। अयोध्या का नाम दुनिया की सुंदर नगरियों में है। लता दीदी की स्मृति में लता चौक के लोकार्पण के साथ हम अयोध्या के विकास के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। लता जी को समर्पित इस चौक पर बीड़ा लगाया गया है जो माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है। 7 सुरों के साथ स्तंभों से इस चौराहे को सज्जित किया गया है। साथ ही 92 कमल के फूलों का इस्तेमाल भी किया गया है। इस चौराहे पर लता दीदी के गए हुए राम भजन हमेशा अयोध्या को शोभित करेंगे। आने वाले दिनों में अयोध्या के दीपोत्सव की तैयारियां गतिशील होगी। हम चाहते हैं इस चौक के साथ अयोध्या के हर घर, हर मंदिर, हर गली चौराहों पर लाखों दीप से सुसज्जित किया जाए। एक नई अयोध्या को उभरते हम देख रहे हैं। डबल इंजन की तरह देश की आस्था का सम्मान करते हुए विकास को अग्रसर है। विकास का कार्य हमारी प्राथमिकता है। हम अपने तीर्थों को इसी तरह विकसित करेंगे।